हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू किया था क्लास 9 पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज से ग्रेविटेशन को पढ़ना, जिसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में शुरू किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग जानेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमने कैपिटल जी के बारे में कभी जाना था, ये जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो स्मॉल जी है ना, स्मॉल जी का फार्मूला में आया था कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर, ये मास ऑफ द प्लैनेट या जो भी लेंगे हम, और ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट या जो भी लेंगे सैटेलाइट या स्टार। ठीक, ये जो हम कैपिटल आर लेते हैं ये सेंटर से सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस लेते हैं बेसिकली, लेकिन सरफेस में रहते हैं तो हम रेडियस को ही ले लेते हैं। ये मैंने इससे पहले डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन है कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर हम लेंगे अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को आप नॉर्मली हाइट बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीट्यूड एक, आप जानते हैं अल्टीट्यूड ट्रायंगल में जब ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री का होना ज़रूरी है, तो वो बात इम्पॉर्टेंट है। मानते हैं कि ये अर्थ है, हम अर्थ ही लेके बात कर रहे हैं, ये हमारा अर्थ है। आपको पता होगा कि अर्थ का रेडियस कितना है आर। यहाँ पे अगर आप हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ लेंगे, थोड़ा सा ऊपर भी लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट रहता है, वो भी जानेंगे कैसे। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर। यहाँ पे है तो वर्टिकली डाउनवर्ड आपका इधर है, यहाँ पे अगर हैं तो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड इधर है, जहाँ पे भी हैं आप रेडियली इनवर्ड ही आपके लिए वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ। मानते हैं कि एक बॉडी यहाँ पे है जहाँ पे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानना है, और कितनी हाइट है एच हाइट। जहाँ पे हम होते हैं वहाँ से लेकर सेंटर के बीच, मतलब यहाँ का सेंटर जिसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ही माने हैं, और यहाँ का सेंटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने अभी स्मॉल आर मान ली। इस स्मॉल आर को लेके एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, इस स्फीयर में जितना मास होगा इस पूरे मास को हमको लेना है। लेकिन आप जानते हैं कि अर्थ के ऊपर जब हम जाएंगे तो एटमॉस्फेयर होगा, और एटमॉस्फेयर का जो मास होगा, ये वाला मास यहाँ पे अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में इतना कम होगा कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अर्थ का मास होता है 6×10^24 किलोग्राम, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला मास जो होगा ना इतना कम होगा कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इतनी बात आप समझ आ गई। तो यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। जी का फार्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम, कैपिटल एम क्यों लिए, उससे ज़्यादा क्यों लिए, चूँकि इस मास को हम क्या किए, इग्नोर किए, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा आर स्क्वायर। ठीक, तो जी जो होगा वो क्या होगा, जी एम बाई स्मॉल आर, क्या कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच का होल स्क्वायर। कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है जो कि 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो जी हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम, मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड भी किया, और आर ये हमारा मेन फार्मूला है, दिस इज द ओरिजिनल फार्मूला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें एक बात हमने माना है कि अर्थ को हम स्फेरिकल माने, ये सारी बातें, तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया, आर स्क्वायर से डिवाइड भी किया, तो क्या होगी आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इतना आप कॉपी करते जाएं, आपको पता होगा जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ है, इसको हम जी नॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जी नॉट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, वो क्या हो गया जी एम ओवर आर स्क्वायर, जो अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपकी बुक में 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टैंडर्ड माना है, इक्वेटर में शायद, तो आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा जी नॉट, तो जी हो गया हमारा जी नॉट आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये भी आप एक फार्मूला मान सकते हैं, ये भी अभी तक हमारे पास ये कोई अप्रॉक्सीमेशन हमने लिया है, सारा ओरिजिनल फार्मूला है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू जी नॉट, अगर हम इसको ऊपर नीचे कर दें, दैट इज़ आर प्लस एच ऊपर कर दें आर नीचे कर दें, तो पावर हमारा -2 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात तो समझ पा रहे होंगे, तो जी बराबर लिख सकते हैं जी नॉट आर ओवर आर 1, ये इससे डिवाइड होगा, अगर नहीं समझ पाते तो पूरा ही कर दे रहा हूँ, आर बटे आर प्लस एच बटे आर उस पर पावर -2, दैट इज जी इज इक्वल टू जी नॉट 1 प्लस एच ओवर आर उस पर पावर -2। ये भी आपका ओरिजिनल फार्मूला है, बस हम मैथमेटिक्स के, मतलब मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको हम अलग वे से लिख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हमने अभी
अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बाद हम अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करेंगे, इतना आप कॉपी कर लें पहले। डन। तो मेन फार्मूला हमारा होगा जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल आर क्या, कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है, स्मॉल एच उस सरफेस से ऊपर नॉर्मली जो हाइट है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर इसको हम आगे लेके बढ़ें तो इसके लिए एक अप्रोक्सीमेशन आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैं लिखता हूँ 1 + x^-2। ठीक है, तो इसको हम कैसे क्या समझेंगे, ये x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें, बताइए मैं अगर x का वैल्यू पुट करता हूँ 0.01, कितना पुट करता हूँ 0.01, उस पर पावर मैंने क्या किया -2। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो मैंने x का वैल्यू जो 0.01 लिया, जो कि 1 से छोटा है, अच्छा खासा छोटा है, और भी बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन हमने एक छोटा वैल्यू लिया। तो अगर x का वैल्यू मैंने 1 से छोटा लिया, दैट इज 0.01 इज लेस देन 1। अगर ऐसा हो तो इसका वैल्यू पहले हम निकालते हैं, 1 क्या होगा 0.01 उस पर पावर -2, दैट इज 1/1.01 उस पर पावर +2। 1.01 को जब 1.01 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा, ये आएगा 1.0201, 1.0201, दैट इज 2/4/10201। इसका वैल्यू जो आएगा हमारा 10,000/10,201, ये आएगा 0.98 अप्रॉक्स। कितना आएगा 0.98। अगर हम इसी को और वे से निकालें, हम लिखें कि 1 - 2 × ये जो पावर है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.01, तो ये कितना होगा 1 - 0.02। इसको भी आप निकाल के देखेंगे तो 0.98 आएगा। तो बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर 1 + x^-2 हम लिख रहे हैं और हमको अप्रॉक्सीमेशन में बात करनी है, और ये जो x है वो 1 से बहुत छोटा हो, तो हम ऐसा न करके बस ऐसा कर सकते हैं। ऐसा में क्या हो गया बताइए, इसको हम लिख सकते हैं ये वाला 1 - 2x, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। अब ये बात क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहीं पे x का वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, 2, जो कि 1 से छोटा नहीं, बड़ा ही है। तो 1 + 2 पे पावर क्या हो गया -2, तो क्या हो जाएगा 1 + 2, दैट इज 3 पे पावर -2। ये कितना हो जाएगा 1/3² जो कि 1/9 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल करें तो 1 - 2 × 2 हो जाएगा 1 - 4, जो कि -3 रिजल्ट देगा, जो कि मैच नहीं कर रहा है। आपको बात समझ आनी चाहिए कि ये तभी वैलिड है ये वाला फार्मूला, जब x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा हो, 1 से बहुत छोटा हो। ठीक है, मैं इसको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखिए, मैं ये बताया आपको कि 1 + x^-2, 1 - 2x आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं, इसके लिए x का वैल्यू बहुत छोटा होना पड़ेगा, किससे, 1 से, तभी ये फार्मूला वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं। आप खुद इसके इसका एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँ 1 + 1/2, तो ये 1 से बहुत छोटा नहीं है, उस पर पावर -2 करेंगे, तो इसको आप अगर निकालेंगे तो कितना होगा 3/2 उस पर पावर -2, दैट इज 2/3 उस पर पावर +2। ये हो जाएगा 4/9, इसका वैल्यू हो जाएगा अप्रॉक्स कितना 4/9, 0.4 bar। अगर हम अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल करें तो आप क्या लिखेंगे बताइए, 1 - 2 × 1/2, 2 कैंसिल, 0 आ जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो हाफ है, हाफ इज़ नॉट वेरी वेरी लेस देन 1, तो जो x है उसका वैल्यू 1 से बहुत छोटा होना पड़ेगा, तभी ये वैलिड है। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे अगर हम ये अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल करें, g = g0 और यहाँ पे 1 - 2h/r होगा, इसके लिए h/r को क्या होना पड़ेगा, इसके लिए h/r को बहुत बहुत छोटा होना पड़ेगा, किससे, 1 से, या जो हाइट है वो बहुत बहुत छोटा होना पड़ेगा रेडियस ऑफ अर्थ से। मेरी बात समझ आ रही है, तो अगर हाइट बहुत छोटा हो रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में, दैट इज़ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 50, 100 तक हम काम कर सकते हैं, ठीक है, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, 50-60 किलोमीटर तक, ठीक है, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 - 2h/r,
समझ आ रही है बात। लेकिन अगर यही h r का आधा हो जैसे अभी हमने लिया तो ये हाफ आएगा रिजल्ट, तब हम ये अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको समझ आ रहा होगा ये ओरिजिनल फार्मूला है और ये तभी वैलिड है जब h बहुत छोटा हो r के रिस्पेक्ट में, तभी ना वैल्यू 1 से छोटा होगा, और जब 1 से बहुत छोटा होगा तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ओरिजिनल फार्मूला नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला है और ये ओरिजिनल फार्मूला है, इसका ख्याल रखें। इससे पहले भी मैंने ओरिजिनल फार्मूला को अलग फॉर्म में लिखा था, इतनी बात आपको समझ आ रही है। ये इस फॉर्मूले पे आप भरोसा ना करें, ये फार्मूला में भरोसा तभी करें जब आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 20 आप मान लेते 100 किलोमीटर ले रहे हैं, तो 100 किलोमीटर बटे 6400 कितना हो जाएगा बोलिए, 1/64 यहाँ तक हम शायद ले सकते हैं, उतना में भी आपको थोड़ा परेशानी हो जाएगी। तो 50-60 किलोमीटर तक लेना बेटर होता है, उसके बाद आप ओरिजिनल फार्मूला इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। और R/2 अगर R/4 उस तरह का रेंज हो जाए तब तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, वो गलत ही रिजल्ट देगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई। तो अल्टीट्यूड पे जो डिपेंड करता है इसके लिए हमारा फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, ये क्या हमारा सिंपल सा gm/r² और एक होगा g0 1-2h/r, वो तभी वैलिड है जब आपका कहाँ पे हो, बहुत नज़दीक हो अर्थ के सरफेस के नज़दीक। ठीक, अब यहाँ पे एग्जांपल 4.4 से समझ आएगा कुछ हमको। 4.4 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई साहब, ये कह रहा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। हाइट कितना लेने बोला है, 1600 किलोमीटर, जो कि अर्थ के रेडियस का 1/4 फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। गिवन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ जी नॉट इज, जी नॉट बोल दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो ये 1600 और 6400 बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, 4 गुने का ही अंतर है, तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप खुद देखें एच और आर का रेशियो कितना होगा, 1600/6400, 1/4। ये 1 से बहुत छोटा नहीं है, 1 के नज़दीक ही, 1 से छोटा तब होगा जब वैल्यू 0.01 0.00001 उस तरह का वैल्यू। ठीक है, तो ये वो वाला अप्रॉक्सीमेशन वैलिड यहाँ पे नहीं है। तो हम इस्तेमाल क्या करेंगे, जी नॉट जो हमारा जी का फार्मूला क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ठीक है, या हम क्या इस्तेमाल करेंगे जो हमने बताया आपको, हाँ ठीक है ऐसे भी हो जाएगा हमारा, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। R और H क्या है हमारा बताइए, H है, इसको लिख सकते हैं H को R/4, क्यों, ये 6400/4 यही तो आएगा ना रिजल्ट, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा R/4 2, दैट इज gm/4r + r कितना, 5r/4 का होल स्क्वायर। तो G हो जाएगा हमारा कैपिटल G कैपिटल M बटे 25r² / 16, तो जी हो जाएगा हमारा 16/25, इसे कर दी इसको ऊपर लेके जाके, और gm/r² आपको पता होगा gm/r² जी नॉट है, दैट इज़ ये हो गया जी नॉट, दैट इज 16/25 गुना जी नॉट कितना हो गया, जी नॉट हो गया हमारा 9.8। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये रिजल्ट आएगा 16 × 9.8, इसको मैंने करके देखा है, ये आ जाएगा 156.8/25, इसका वैल्यू निकल के आएगा हमारा 6.272, कितना आएगा 6.272 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिएगा कैलकुलेशन, तो अर्थ में अर्थ के सरफेस में जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे इतना हो गया। और अगर आप अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल अल्टर फल्टर हो जाएगा, जो कि बहुत गलत रिजल्ट देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे जी बराबर हमने क्या इस्तेमाल, जी नॉट ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बस आपको दिखा रहा है। एच कितना है हमारा R/4, तो 1-2 × R/4/r, आर आर कैंसिल 2×4 1/2 हो गया ये, तो ये आएगा जी नॉट इंटू हाफ, दैट इज 9.8/2, ये आ जाएगा 4.9 और ये आया 6.272, जो कि बहुत ज़्यादा अलग रिजल्ट दे रहा है। अगर ये लगभग में सेम हो तब हम अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि R/4 जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा रेडियस से छोटा नहीं है, जिसकी वजह से हम अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, इतना उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक, उतारिए, डन, और भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला हमारा एक मेथड हो गया, और जो फॉर्मूला मैंने बताया ना और तरीके से मैथमेटिकली उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज 6400 किलोमीटर 4.5
रेडियस कितना 6400 किलोमीटर जो कि पहले से ही हमको पता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दिया हुआ है सरफेस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालना, हाइट 5 किलोमीटर में, हाइट कितना 5 किलोमीटर, ये हाइट जो 5 किलोमीटर है अगर हम h को r से डिवाइड करें तो 5/6400, इसको आप निकाल के देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5/6400, ये होगा 0.0008 लेकिन बहुत छोटा है 1 से, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन का, g इज इक्वल टू जी नॉट 1-2h/r। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि h/r का वैल्यू बहुत छोटा है, किससे 1 से, और g नॉट कितना 9.8, 1-2, हाइट कितनी है 5 और ये 6400, इसको भी मीटर में निकालेंगे, इसको भी मीटर में, तो फिर हज़ार हज़ार कैंसिल हो जाएगा, निकालने की ज़रूरत है नहीं, तो ये हो जाएगा 2/3200, 5/3200, तो 5×6=30, 5×6=640, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 640-1/640, इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, होशियार है आप लोग, इंटू क्या होगा 639/640, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3131.1/640, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.785 मीटर पर सेकेंड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। क्यों, क्योंकि अर्थ के सरफेस से आप अगर 5-10 किलोमीटर ऊपर तक भी जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इतना ही कम चेंज होता है कि हम उसको कांस्टेंट ही मानते हैं। वैसे यहाँ क्वेश्चन से भी आप समझ आ रहा है, मैंने जो रिजल्ट निकाला, आप चाहें तो ऑरिजिनल फॉर्मा से निकालेंगे तो आपका इतना ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन अलाउड है। उतार लीजिए, अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि डेप्थ की वजह से क्या फर्क पड़ता है। डन, चलिए ये तो हो गया अल्टीट्यूड की बात, दूसरी बात होगी हमारी डेप्थ की। डेप्थ की अगर बात करें, ये बहुत गौर से देखिएगा, वैसे बात आपको समझ आ गई होगी, मेन क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ये आपका अर्थ, जब अर्थ कहीं भी आप हैं उसके अंदर आप इंटर कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, कुछ गहराई में, मानते हैं कि मैंने अंदर इंटर किया, डी डेप्थ इंटर किया, ठीक है, और रेडियस हमारा कितना है आर, रेडियस कितना है आर, यानी बी डेप्थ इंटर किया, मैंने क्या बोला था, ये एक पार्टिकल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने कितना लेना है, ये हमारा कैपिटल आर है पूरा का पूरा, तो ये जो बचा हमारा, ये पूरा कैपिटल आर है हमारा, ये जो बचा ये डी हमने लिया, डी डेप्थ, ये कितना बचा बताइए, इसको हमने आर मान लिया, जो ये आर है ये आर कितना बचेगा बताइए, ये आर बचेगा कैपिटल आर माइनस डी, और डेप्थ हमने कितना लिया डी, डी अंदर घुसे हैं लेकिन सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना बचा है स्मॉल आर, जो कि कैपिटल आर, ये पूरा कैपिटल आर है, इससे डी हट जाएगा, इतना बचा। अब यहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इससे हम एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, इस स्फीयर में जितना मास होगा, इसका मास हमारा कैपिटल एम है, तो इसका मास हम लेंगे, इसको हमने एम डैश मान लिया, क्या मान लिया एम डैश, और रेडियस कितना है अर्थ का आर, जो हम लेंगे अब स्फीयर, उस स्फीयर का रेडियस कितना है कैपिटल आर माइनस स्मॉल डी, कितना डेप्थ में हम इंटर किए हैं स्मॉल डी, ठीक है। तो आपको पता है कि अर्थ का जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, अप्रॉक्सीमेटली हम सबको स्फीयर मान रहे हैं अर्थ को, 4/3 πr³ आपका वॉल्यूम है, उसमें जो मास है वो कितना है कैपिटल एम, तो अगर यूनिट वॉल्यूम होगा तो उसमें कितना होगा एम ओवर 4/3 πr³, ठीक है, आपके इसमें प्रूफ नहीं है, मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो अगर हम स्मॉल आर लें, दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल डी लें, मतलब यहीं से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, इससे ही हमको स्फीयर ड्रॉ करना है, उसमें जितना मास होगा उसी को हम लेंगे, ठीक है, आर माइनस डी 4/3 πr⁻¹³, इसका वॉल्यूम यही ना होगा 4/3 πr³, ये होगा हमारा एम बटे 4/3 πr³ इंटू 4/3 πr⁻¹⁰ का होल क्यूब। यूनिटरी मेथड है, सिंपल सा, 4/3 4/3 πr कैंसिल हो गया, कितना बचेगा बताइए m r माइनस डी का होल क्यूब बटे r क्यूब, और यही मास होगा किसका, ये वाला स्फीयर का स्मॉल r रेडियस का, तो m डैश हमारा कितना निकल के आया कैपिटल m कैपिटल r माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इसको अच्छे से आप नोट डाउन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला का मैं प्रूफ कर रहा हूँ। चलिए
उतार लिए होंगे। यूनिटरी मेथड है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये अर्थ का वॉल्यूम है, उसमें मास कितना है, कैपिटल एम, तो एक में इतना हुआ तो इसमें इतना हुआ, ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई होगी, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ कि एम डैश हमारा आया कितना, मैं ही भूल गया, एम डैश आया एम आर माइनस डी होल क्यूब ओवर आर क्यूब, ये आया, ठीक है। हमको जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए डेप्थ में जाके, इसको स्मॉल जी मानते हैं, ये हो गया हमारा कैपिटल जी कैपिटल एम, लेकिन कैपिटल एम तो ये पूरा करना है, हमको ये वाला ही मास लेना है जो अंदर है, एम डैश बटे मतलब यहाँ से अंदर की तरफ, एम डैश बटे आर, स्मॉल आर लेंगे, स्मॉल आर क्यूब, तो कैपिटल जी एम डैश कितना आया, कैपिटल एम कैपिटल आर माइनस स्मॉल डी होल क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब बटे स्मॉल आर, क्या है कैपिटल आर माइनस डी, इसका स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर ही होगा ना फार्मूला, तो ये पावर टू और ये कैंसिल हो गया, आर माइनस डी बचेगा बस, तो लिख सकते हैं जी एम बटे आर क्यूब से आर स्क्वायर ले लिए, उधर आर रख दिए, दैट इज़ आर माइनस डी बटे आर। और आपको पता है ये क्या है हमारा अर्थ के सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी इज इक्वल टू जी नॉट, और आर बटे आर क्या होगा वन, और इधर क्या बचेगा डी बटे आर। याद रहे इस फॉर्मूला में मैंने ज़रा सा भी कहीं पे भी अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल नहीं किया, बस अर्थ को हमने स्फीयर माना है, और यहाँ पे ऐसा कोई ऐसी बात नहीं हुई जहाँ पे डी आर से छोटा होना चाहिए, ऐसी बात कहीं पे भी हमने जो कैलकुलेशन किया है किसी भी स्टेप में हम ऐसा कुछ भी नहीं किए, ठीक है। तो ये फार्मूला बिल्कुल ओरिजिनल फार्मूला है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक, वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल हुआ है, ओरिजिनल फार्मूला कुछ और है और अप्रोक्सीमेशन वाला जो फार्मूला है वो कुछ और है। तो फार्मूला क्या आएगा, जी इज इक्वल टू जी नॉट वन माइनस डी बाय आर। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम सेंटर में चले जाएं तो मास कितना इंक्लूड होगा, जीरो मास इंक्लूड होगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा। तो मैं अगर डेप्थ का वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ ले लूं, मतलब आर रेडियस आर अंदर चले जाऊं, मतलब सेंटर में पहुंच जाऊं, एट द सेंटर जी इज इक्वल टू जी नॉट वन माइनस आर बटे आर, आर बटे आर वन होगा, दैट इज जी नॉट वन माइनस वन, ये आएगा जीरो, दैट इज सेंटर ऑफ अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जीरो हो जाता है। और वहाँ क्या फार्मूला था, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये एच का वैल्यू जब तक इन्फिनाइट नहीं होगा, तब तक नीचे का वैल्यू इन्फिनाइट नहीं होगा, तब तक इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, मतलब हाइट में अगर जाएं अल्टीट्यूड में जाएं तो इन्फिनाइट हाइट में जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ में जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, अगर हम अर्थ को स्फेरिकल माने और यूनिफॉर्म डेंसिटी का माने। तो इतनी सारी बातें आप उतार लीजिए, तो डेप्थ वाली बात हो गई। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये फार्मूला में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है तो हम इस्तेमाल बिल्कुल धड़ल्ले से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द रेडियस ऑफ अर्थ एंड जो सब दिया हुआ है ना, 4.6 रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका जो सरफेस ऑफ अर्थ में है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकालना है 1600 किलोमीटर डेप्थ में। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी एट अ डेप्थ 1600, डी कितना लेना है 1600 किलोमीटर। तो फार्मूला क्या है हमारा, जी इज इक्वल टू जी नॉट वन माइनस डी बटे आर, तो जी नॉट 9.8 वन माइनस 1600 बटे 6400, तो ये हो जाएगा 1/4, तो 9.8 4 माइनस 1/4, दैट इज 9.8 इंटू 3/4, 4 × 2 = 8, 1 8 4 × 6 = 16, तो 2.45, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 7.35, बिल्कुल सही है। तो 7.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, कहाँ पे जाके 1600 किलोमीटर अगर आप अंदर घुस गए तो कितना एक्सेलरेशन आया, 7.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये कहानी थी डेप्थ की। नेक्स्ट कहानी है हमारी लैटिट्यूड की, उतार लीजिए इसको, डन। चलिए थर्ड नंबर लैटिट्यूड, अर्थ को हम लोग क्या माने हैं, अर्थ को हम स्फेरिकल माने, लेकिन अर्थ स्फेरिकल नहीं है, आप किताब में पढ़िएगा तो ये है आपका इलिप्सॉइडल, कैसा है इलिप्सॉइडल, तो आप इलिप्स के बारे में जानते होंगे तो वो 2D फिगर है, ये हमारा 3D फिगर है वैसे, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा क्या है पोल, इधर हमारा है नॉर्थ पोल, किधर है जो भी है हमको, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखा हुआ है सारा, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर और ये पोल, देखिएगा तो ये रेडियस इक्वेटर वाला, ये रेडियस कौन सा वाला, पोल वाला,
तो पोल की तरफ आने से सेंटर से नज़दीक होते जा रहा है कोई भी बॉडी, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो रेडियस कम होते जाएगा। फॉर्मूला क्या, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। तो रेडियस कम होते जाएगा तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा होते जाएगा। तो बात समझ आ रही है। तो अगर हम बात करें कहाँ पे ज़्यादा होगा, रेडियस कम होगा तो जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इससे पता चला कहाँ पे रेडियस कम है, पोल में, दैट इज़ जी पोल में ज़्यादा होगा और इक्वेटर में क्या होगा, कम होगा। जी पोल में ज़्यादा होगा, इक्वेटर में कम होगा। आपको पता होगा कि इक्वेटर की अगर बात करें तो इक्वेटर में हमारा जो लैटिट्यूड होता है वो कितना होता है, 0 degree, और पोल में आते आते कितना डिग्री हो जाता है, 90 degree। दैट इज इक्वेटर से पोल की तरफ आने से लैटिट्यूड बढ़ता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बढ़ता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अर्थ के शेप की वजह से भी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज आता है। उसके बाद फिर अर्थ का रोटेशन वगैरह का भी इफेक्ट है, उसके बारे में हमको डिस्कस अभी नहीं करना। इतनी बात आपको समझ आ गई। सिंपल सी बात याद रखनी है कि इक्वेटर से पोल की तरफ आएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो जी का वैल्यू घटेगा। इक्वेटर से पोल की तरफ आएंगे तो लैटिट्यूड बढ़ेगा और जी भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, लैटिट्यूड के बढ़ने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, सरफेस ऑफ अर्थ में। और सरफेस ऑफ अर्थ में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल में। अंदर जाने से भी घटता है, ऊपर जाने से भी घटता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ, सरफेस ऑफ अर्थ में, उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ, पोल में। ठीक है, तो पोल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है अगर आप अर्थ के सरफेस में हैं तो। ठीक है, लेकिन अर्थ के सरफेस में अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन अगर आपको तब भी अगर इसको बिल्कुल डेप्थ में जानना है तो आपको बात समझ आ गई होगी कि इक्वेटर से पोल की तरफ अर्थ के सरफेस में अगर मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा और लैटिट्यूड भी बढ़ता है। तो लैटिट्यूड के बढ़ने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा तो उस चीज़ का वेट भी बढ़ेगा। तो कोई चीज़ अगर आप इक्वेटर में खरीदेंगे, पोल में आएंगे तो आपको भारी भारी लगेगा। वही चीज़ अगर पोल में खरीदेंगे तो इक्वेटर में आके देखेंगे तो आपको हल्का हल्का लगेगा। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने कर दी। अब नेक्स्ट बचा फ्री फॉल, वेटलेसनेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी के बारे में शायद डिस्कशन कर चुके हैं किसी चैप्टर में, इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करना है। तो अगर आपको लगता है कि सब डिस्कस नहीं करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसमें वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं लास्ट में करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रीब्यूशन से चलता है, तो आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। आपको कंट्रीब्यूशन करने के लिए जो अकाउंट नंबर है जहाँ पे आप पे कर सकते हैं, या आप मेरा फ़ोन पे में पे कर सकते हैं, जैसा भी चाहें। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर कैसे पे करें, मेरे पास ये ऑप्शन है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ज़रूर आप कंट्रीब्यूट करें अगर आप फाइनेंशियली ओके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।